हाँ जी, किसी को याद है? अगर नहीं भी होगा तो भी चलेगा, बट अगर किसी को याद है तो बहुत बढ़िया बात है। चलो कोई बात नहीं, वो तो वैसे भी चलो ठीक है। तो आज ठीक है भाई, मैंने 8:45 डाल, पर आप थोड़ा सा प्लीज जल्दी आ जाए करो ता, ओके। वो तो अच्छा हुआ आपका इस बार टेस्ट नहीं हुआ, नहीं तो वो लाइक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा नहीं होता, क्योंकि कल भी आपकी छुट्टी पड़ गई तो हमारा सिलेबस नहीं होता, और वो पूरा क्वाड्रेटिक ही पूछते हैं आपसे। तो मेरी स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूं मैं, स्क्रीन स्क्रीन सभी को विजिबल है भाई? ओके okay. ठीक, रिकॉर्डिंग ऑन है एंड ये ठीक है। तो भाई डी पे कुछ और हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भाई D1 और D2 क्या है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट है कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। लेट सपोज हमारे पास इक्वेशन क्या है, a1x² + b1x + c1 = 0। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो है D1। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास a2x² + b2x + c2 = 0, इसका जो है डिस्क्रिमिनेंट है D2। ठीक है, ओके। नहीं बेटा, बट 8:30 नहीं डाल सकता ना, क्योंकि वहां पर सभी लोगों को दिखता है भाई आप आधा घंटा पहले क्लास स्टार्ट कर रहे हो, वो अलाउड नहीं है। ओके क्योंकि भाई हमारा तो कुछ नहीं, हम तो पढ़ा के चल जाएंगे, बट आप लोगों को प्रॉब्लम भाई, आप दिन में भी स्कूल जाते हो, फिर कोई ट्यूशन भी जाता है या फिर एनीथिंग, और कुछ लोग घर का भी काम करते हैं, और फिर उसके बाद आप क्लासेस लेने आते हो तो आपका भी सोचना पड़ता है, राइट। हम सिर्फ अपने अपने नहीं, सेल्फिश नहीं बन सकते, सेल्फिश बन जाते तो फिर क्या ही बात थी। ओके तो या गुड इवनिंग एवरीवन। तो सभी लोग स्क्रीन पर देखना, हमारे पास दो इक्वेशन है जिसके कि डिस्क्रिमिनेंट D1 एंड D2 है। ठीक है, तो क्या बोला है कि अगर इफ D1 + D2 > or = 0 है, मतलब ये हमें गिवन है इतना वाला हिस्सा। ठीक, ये क्या होगा आपको, लाइक डायरेक्ट गिवन नहीं होगा, बट ये समहाउ गिवन रहेगा, लाइक इक्वेशंस या फिर लाइक कुछ लैंग्वेज के फॉर्म में आपको गिवन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे। अच्छा मुझे बताओ कि दो नंबर्स का सम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई बता सकता है भाई? कोई एक 0 होगा या फिर मतलब कोई एक पॉजिटिव होगा, या फिर दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं भाई? हो सकते हैं ना भाई, अगर दो नंबर को जोड़ रहे हैं तो या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या फिर दोनों में से कम एक पॉजिटिव हो जाए, ताकि बड़ा वाला पॉजिटिव रहे, छोटा वाला नेगेटिव, और जिसका मैग्नीट्यूड कम है वो नेगेटिव के साथ रहे। तो अगर उन दोनों को भी ऐड करेंगे तो भी उसका जो सम है वो 0 से बड़ा ही आएगा, राइट। जैसे कि 4 + 4 हो गया, तो ये तो बड़ा ही होगा 0 से, लेकिन 4 - 2 भी किया तो ये भी 0 से बड़ा है। तो हमारी कंडीशन क्या होगी भाई, कि कम से कम एक तो 0 से बड़ा होगा, राइट। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। यस तो इसका मतलब यही निकाला हमने कि एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज रियल रूट। इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट वन ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव। ठीक, अगर एक डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि कोई एक इक्वेशन के तो रियल रूट आएंगे। डी पॉजिटिव होता है उसका मतलब क्या होता है कि इक्वेशन के रियल रूट है, राइट। है, यस सर। और ये बराबर भी हो सकता है भाई, ऐसे हो सकता है ना कि भाई 4 + 4 > 0 and 4 - 4 = 0। तो हमने ये इक्वल वाला केस भी लिया है, यहाँ पर दिख रहा है ना सभी को, इक्वलिटी वाला है ना, तो इक्वल भी हो सकते हैं। यस तो सर। डी जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है। अगर 0 के बराबर भी हो जाता है तो भी क्या हो सकता है कि भाई या तो दोनों 0 हो, तो दोनों मतलब लाइक दोनों के रियल रूट आएंगे, ऑब्वियसली है, ऑब्वियस बात है कि D = 0 हो गया तो क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट आ जाएंगे, राइट। तो ये वाला केस भी हो सकता है, ओके। और या फिर दोनों मैग्नीट्यूड में सेम आ जाए, 4 - 4। ठीक है भाई, पहला पॉइंट सभी को क्लियर है? हाँ जी यस सर। यस सर। ओके, सर एक दूसरा बार रिपीट देखते कर देना सर। हैं।
रिपीट कर बेटा थोड़ा देना सा एक बार प्लीज अभी टाइम पे आएंगे। जो बेटा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने देखो वहां पे टाइम दे रखा है 8:45, तो प्लीज आप 8:45 पे ट्राई करो ज्वाइन करने का। ओके, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप दो नंबर को जोड़ते हो और अगर उनका सम पॉजिटिव या फिर जीरो निकल के आता है, उसका मतलब कि भाई उन दोनों एक के रियल रूट है, राइट? रियल है, क्योंकि भाई या तो ऐसा होगा कि वो दो हैं, या फिर रह सकता है कि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई दोनों जीरो हो जाए, वो भी हो सकता है, यही हो सकता है ना। बट इन सभी केसेस में कम से कम एक इक्वेशन के तो रियल रूट आएंगे, ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, यस सर। ओके। दूसरा यस देखते हैं, d1 + d2 < 0 हो गया इस बार, कि हमने दो नंबर को जोड़ा और उसका जो सम है वो नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि भाई दो नंबर्स का सम नेगेटिव का हो सकता है जब या तो दोनों नेगेटिव हो जाए, या फिर एक नेगेटिव हो जाए और दूसरा पॉजिटिव रहे, तब भी हो सकता है ना, क्योंकि नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड क्या पता बड़ा हो, तो अगर हम जोड़ेंगे तो वो लाइक नेगेटिव ही आएगा, है ना, जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है, राइट? तो इन दोनों केसेस में यहां पर सिर्फ दो ही केस बनेंगे, वहां पर ज्यादा बन रहे थे पर यहां पर दो ही केस बनेंगे, राइट? तो इन दोनों ही केस में कम से कम एक के तो कैसे रूट है, इमेजिनरी रूट है ना भाई, या तो दोनों के हो जाएंगे इमेजिनरी रूट, या फिर किसी एक के इमेजिनरी रूट आएंगे, राइट? क्योंकि अगर दोनों में से एक डी नेगेटिव हो गया, डी नेगेटिव हो गया, उसका मतलब क्या है कि उस इक्वेशन के रूट इमेजिनरी हो गए, क्लियर है? हाँ जी, यस सर। यस सर। ओके, ठीक यस सर। है। हमारी इक्वेशन सेम चल रही है भाई, इक्वेशन में बार बार नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन उसका हमने जो फर्स्ट वाले पेज पे लिखा था वही है, a1x² + b1x + c1 and a2x² + b2x + c2। ओके, तीसरा क्या है हमारे पास कि d1 × d2 का मल्टीप्लीकेशन लेस देन जीरो हो गया। अच्छा, तो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव कब हो सकता है भाई? हाँ जी, या तो a पॉजिटिव हो जाए, a जो है वो पॉजिटिव हो जाए, या फिर एंड सॉरी ए पॉजिटिव हो जाए और बी नेगेटिव हो जाए, है ना, एक तो ये केस हो सकता है, या फिर ए जो है वो नेगेटिव हो जाए और बी जो है वो पॉजिटिव हो जाए, मतलब कम से कम एक तो जो है वो नेगेटिव रहेगा और एक पॉजिटिव रहेगा, तभी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि एक डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो वन इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, क्योंकि डी ग्रेटर देन जीरो है, और जो दूसरा डी है हमारे पास d2 है वो लेस देन जीरो है, मतलब उसके इमेजिनरी रूट आएंगे। इसमें डी कोई सा भी डी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा कोई सा भी तो इक्वल टू जीरो आ जाएगा, है ना, तो इसका मतलब फिर वो होगा कि कम से कम एक इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट से, उसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है? तो d1 × d2 < 0 इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम एक इक्वेशन के रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे और दूसरी इक्वेशन के कैसे रूट होंगे, इमेजिनरी, ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके, चौथी इक्वेशन आती है हमारे पास, इफ d1 × d2 > 0, तो भाई दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब हो सकता है, जब या तो दोनों नेगेटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो। भाई अगर दोनों डी नेगेटिव हो जाएंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि दोनों इक्वेशन के रूट इमेजिनरी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों डी पॉजिटिव हो, जैसे 2 × 2, तो फिर क्या होगा कि दोनों डी पॉजिटिव है, मतलब दोनों इक्वेशन के रियल रूट है, राइट? दोनों इक्वेशन के रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, क्लियर है? यस सर। हाँ जी, ओके। तो यहां पर एक पांचवा केस और बना लो, मुझे अभी अभी याद आ गया। पांचवा केस हो गया कि अगर d1 × d2 = 0 हो जाए तो क्या होगा, एटलीस्ट वन इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट, सॉरी रियल एंड इक्वल रूट्स, राइट? क्योंकि भाई कोई एक भी डी जीरो हो गया तो उसके रूट्स रियल आएंगे और इक्वल होंगे, राइट? ओके, भाई दोनों भी जीरो हो सकते हैं बट एटलीस्ट एक को तो जीरो होना पड़ेगा, तभी उनका मल्टीप्लीकेशन जीरो आएगा, क्लियर है भाई, है ना? yes, sir. ओके, तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द इक्वेशन दिस एंड दिस। अब हमें बताना क्या है, बोथ इक्वेशंस हैव रियल रूट्स,
एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट, बोथ इक्वेशन हैव इमेजिनरी रूट्स. एक सेकंड बेटा, ओके या हैज D1 और D2 पे कमेंट करना है कि रूट्स पे कमेंट करना है, मतलब एक्सक्यूज मी सर करना है. तो पहले तो इक्वेशन, सर आपकी आवाज बहुत लैग कर रही है और कम आ रही है. अच्छा ऐसा सभी के साथ हो रहा है क्या भाई? कट रही है सर. भी ना सर. ओके ओके अच्छा जी. ओके 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 तो मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ. कंसीडर द इक्वेशन, हमारे पास दो इक्वेशन है. ओके फर्स्ट इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी माइनस वन इक्वल टू जीरो. एंड सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास? फोर एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस वन इक्वल टू जीरो. भाई ये दो इक्वेशन है मेरे पास. ठीक है, अभी आवाज आ रही है बेटा? यस यस. ओके ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन है. अब मुझे बताना है भाई इनके रूट्स के बारे में बताना है कि भाई दोनों इक्वेशन के रियल रूट या एटलीस्ट एक के, या फिर दोनों के इमेजिनरी रूट या फिर एक के इमेजिनरी रूट. तो वापस मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? या तो मुझे D1 प्लस D2 करना पड़ेगा या फिर D1 इंटू D2 करना पड़ेगा. जब भी इस टाइप के ऑप्शन दिखे आपके पास दिमाग में दो ही चीज आनी चाहिए कि या तो मुझे एक तो D1 प्लस D2 चेक करना है और एक D1 इंटू D2 चेक करना है. तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा भाई, D1 एंड D2 दोनों फाइंड करके रख लूंगा आपने. ठीक है, इस इक्वेशन को इधर लिख लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा ठीक रहे. ओके या ओके ओके. दूसरी इक्वेशन क्या थी भाई मेरी? 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी माइनस वन. ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? यस. जस्ट अ सेकंड बेटा. हाँ जी बेटा, तो दूसरी इक्वेशन ये थी हमारे पास. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा? D1 चेक करूंगा. राइट, तो D1 क्या आएगा मेरा? 4b स्क्वायर. भाई डायरेक्ट कर सकता हूँ ना अब तो, मैं सभी को याद होगा ना D1 कैसे चेक, D1 का फॉर्मूला क्या होता है, D का फॉर्मूला क्या होता है. ओके भाई, अगर इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रहती है तो उसका D का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. ओके तो D2 का क्या आएगा? सी स्क्वायर माइनस 4 × 4 × b − 1 ये आएगा. ओके तो थोड़ा सा D1 कैलकुलेट कर लेते हैं अच्छे से. ये आएगा 4b स्क्वायर माइनस का 4c प्लस का 4. एंड D2 आएगा मेरे पास सी स्क्वायर माइनस का 16b एंड प्लस का 16. यहां तक क्लियर है भाई सभी को? यस सर. यस सर. तो भाई अब मुझे D1 इंटू D2 का तो कोई सेंस नहीं बन रहा है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा. पहले मैं D1 प्लस D2 करना चाह रहा हूं. ठीक है ओके, तो लिख लेते हैं ऐसा कैसे ही, 4b स्क्वायर माइनस का 4c प्लस का 4 एंड प्लस का c स्क्वायर माइनस का 16b एंड प्लस का 16. ये मैंने क्या किया, D1 प्लस D2 एड कर दिए. क्लियर है? यस सर. बी ऑप्शन बता दें. बढ़िया. ओके चेक करते हैं बेटा क्या क्या आता है. आप आपका बी ऑप्शन आ रहा है, एक बार आप जो है फर्स्ट ऑप्शन भी चेक करो, ए ऑप्शन भी चेक करो सरिता. ओके तो D1 प्लस D2 का यहां पर क्या है कि 4b स्क्वायर, मैं पहले क्या करूंगा भी बी वाले जितने भी टर्म्स हैं उनको मैं एक तरफ कर लेता हूं. तो 4b स्क्वायर माइनस का 16b. तो यहां पर मुझे कुछ लाइक बी में कुछ परफेक्ट स्क्वायर टाइप का कुछ दिख रहा है. राइट, तो यहां पर ये बी के साथ माइनस 16 है, मतलब बड़ा नंबर है थोड़ा सा. तो मैं यहाँ पर 4 की बजाय ये बड़ा नंबर लिख देता हूँ. फिर उसके बाद क्या है, सी स्क्वायर माइनस का 4c एंड प्लस का 4. ठीक, मैंने बस अरेंज करके लिख दिया है बी वाले टर्म एक साथ और सी वाले टर्म एक साथ. यहां तक क्लियर है? यस सर. यस सर. तो अब देखो ये जो पहली तीन टर्म है इसमें से मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, है ना? तो 4 मैंने कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर माइनस 4b बचेगा एंड प्लस का 4 बचेगा. क्लियर है? यस
और ये क्या है सी स्क्वायर माइनस फोर सी प्लस फोर, ये किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? टू बताना, सी स्क्वायर माइनस फोर सी प्लस फोर, ये पूरा पूरा ये किसी चीज का स्क्वायर है क्या? माइनस टू का होल स्क्वायर, बिल्कुल होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ऐसे ये जो है b माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर बी प्लस फोर, ये b माइनस टू का होल स्क्वायर है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये मैंने लिख दिया। तो अब मुझे बताओ कि भाई ये भी स्क्वायर टर्म है, ये भी स्क्वायर टर्म है, दो स्क्वायर टर्म को मैं लाइक साथ में जोड़ दे रहा हूँ, राइट? अगर साथ में जोड़ दे रहा हूं तो लाइक मैं ऐसा तो बोल ही सकता हूँ ना कि डी वन प्लस डी टू जो है वो जीरो, तो जीरो हो सकता है लेकिन जीरो से छोटा तो नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर टर्म है, राइट? जीरो कब हो सकता है? जब बी इक्वल टू टू हो जाए और सी इक्वल टू टू हो जाए साथ में, है ना, तभी हो सकता है, है ना भाई? यस सर, यस सर। तो डी वन प्लस डी टू, डी टू जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, ओके? या तो मतलब अगर डी वन प्लस डी टू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आता है तो उसका मतलब क्या होता है मेरे पास कि भाई एटलीस्ट एक इक्वेशन के तो रियल रूट है क्योंकि हम दो नंबर को एड कर रहे हैं और वो पॉजिटिव आ गया, राइट? है ना? यस सर, क्लियर है भाई? एटलीस्ट वन डी इज पॉजिटिव, सो एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है? ये हमारा कौन सा केस है? ये फर्स्ट वाला केस है हमारा, राइट? अच्छा जी, अब ये देखते हैं कि क्या D1 पॉजिटिव और D2 पॉजिटिव इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या? बट मुझे नहीं लगता कि हम कुछ बोल सकते हैं क्योंकि हम B और C पर कुछ कमेंट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। तो मैं D1 पर इंडिविजुअली कुछ कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही D2 पर इंडिविजुअली कुछ कमेंट कर पा रहा हूँ, राइट? है ना? Yes, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, बी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है? क्लियर है सभी को? यस सर, यस सर, यस सर। इंडिविजुअली वी कैन नॉट कमेंट ऑन डी वन एंड डी टू, ओके? सो वी कैन नॉट से D1 is positive और D2 is positive, okay? तो इसकी वजह से दोनों, तो दोनों पॉजिटिव है या नहीं है हमें नहीं पता, बट हम इतना गारंटी से बोल सकते हैं कि भाई एटलीस्ट एक इक्वेशन के तो रियल रूट आएंगे, क्लियर है? ओके, तो क्लियर है ना सभी को क्वेश्चन? तो इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सरिता गुड बेटा। सर मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है, सर उसमें एम की वैल्यू पूछ रही, सर वो क्वेश्चन कैसे करना है? बेटा वो वाला क्वेश्चन आप अभी ज्वाइन कर रहे हो क्या? यस सर। एम का क्वेश्चन, कौन सा एम का क्वेश्चन था? प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस क्लास में। हाँ जी, यस सर, यस सर। सरिता हम एक चीज कर सकते हैं, ये वाला जो आपको क्वेश्चन है ना वो आप प्लीज कल पूछ लेना एंड कल आप 8:45 पे ज्वाइन कर लेना ताकि हम वो क्वेश्चन कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी क्लास के बीच में सिर्फ वो वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो सही नहीं रहेगा, ओके? ठीक है, ओके। और अगर आपको किसी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है सॉल्यूशन में तो आप मुझे वो व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको कल बता दूंगा क्योंकि आज तो हमारी ऑलमोस्ट 11:30 बजे क्लास निपटेगी तो उसके बाद हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? वैसे कल तो छुट्टी है ना आपकी? हाँ, तो बेटा आप ऐसा करना कि मुझसे इंडिविजुअली पूछ लेना, कि मुझे व्हाट्सएप कर देना कि सर मुझे इस स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है? तो हम कल बात कर लेंगे, ओके। सो इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, इसके रूट क्या क्या है भाई?
अल्फा एंड बीटा, अच्छा जी, एंड अल्फा की पावर फोर और बीटा की पावर फोर इस इक्वेशन के रूट है, एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस ए एस इक्वल टू जीरो, इसके रूट क्या क्या है, अल्फा की पावर फोर एंड फोर, ओके हैज ऑलवेज, तो मुझे इसके रूट के बारे में बताना है, मतलब डी के बारे में बताना है, राइट, तो ओके पर पहले मैं क्या करता हूँ ना कि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे जरूरत पड़ेगा सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड करके रख लेता हूँ, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा भाई, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी बताना जरा, क्या आएगी भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस पी अपॉन वन, अपॉन वन मत लिखो, बिल्कुल बिल्कुल माइनस पी अपॉन वन है, लेकिन वन मत लिखो, अब आप बड़े हो गए हो, डिवाइड में वन लिखने की जरूरत नहीं है, ओके, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी क्यू, ओके, इसी तरह से यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर इक्वल टू क्या आएगा, प्लस का आर, और अल्फा की पावर फोर इंटू बीटा की पावर फोर कितना आएगा भाई, एस आएगा, है ना, क्लियर है, ओके ठीक है, तो ओके ओके जस्ट अ सेकंड गाइस, अब मुझे इस इक्वेशन के बारे में कमेंट करना है, कौन सी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस फोर क्यू एक्स प्लस टू क्यू स्क्वायर माइनस का आर इक्वल टू जीरो, क्लियर है, इसके लेट सपोज रूट्स हैं एक्स वन एंड एक्स टू, अच्छा जी, तो पहले तो मुझे अगर इसके रूट के बारे में बताना है तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, इसका चेक डी चेक कर लूंगा, है ना, रूट्स के बारे में अगर मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डी चेक कर लूंगा, राइट, तो डी क्या आएगा इसका भाई, फोर क्यू का होल स्क्वायर, है ना, माइनस फोर क्यू होगा बेसिकली, ठीक है, एंड उसके बाद बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो फोर इंटू वन इंटू टू क्यू स्क्वायर माइनस का आर, यहां तक क्लियर है, है ना, यस सर, ओके यस सर, तो ये माइनस का फोर क्यू स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा, सिक्सटीन क्यू स्क्वायर, है ना, एंड ये माइनस का फोर ये टू क्यू स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एट क्यू स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये माइनस का फोर माइनस के आर में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का फोर आर हो जाएगा, ठीक है, तो सिक्सटीन क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिक्सटीन क्यू स्क्वायर माइनस एट क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का एट क्यू स्क्वायर, राइट, एंड उसके बाद प्लस का फोर आर, ठीक है, तो यहां तक तो हमारा ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्यू की भी वैल्यू है और आर की भी वैल्यू है, राइट, तो हम वो रखते हैं एंड फाइंड करते हैं क्या होगा, एट क्यू स्क्वायर, तो क्यू की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा, राइट, अल्फा इंटू बीटा, तो एट इंटू अल्फा बीटा का स्क्वायर, राइट, और फिर उसके बाद क्या है, फोर टाइम्स ऑफ आर, आर की वैल्यू क्या है, अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर, यहां तक क्लियर है, क्लियर है ना, तो अब इन दोनों में मुझे फोर कॉमन दिख रहा है तो फोर कॉमन ले लेता हूं मैं, अंदर क्या बचेगा, ये अल्फा की पावर फोर, ये पावर बड़ी है तो इसको पहले लिख लेते हैं, अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर, और यहां से क्या बचेगा, यहां से क्या बचेगा भाई, एक तो टू बचेगा और एक अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बचेगा, यही बचेगा ना, यस यस सर, मुझे मुझे बताओ ये इतनी चीज क्या लिखी हुई है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया बेटा सरिता, या तो ये आ गया हमारे पास, तो अब मुझे बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये हमेशा बेटा पॉजिटिव रहेगा, राइट, क्योंकि अल्फा स्क्वायर है तो ये अपने आप में पॉजिटिव है, ये भी अपने आप में पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव नंबर का हम और स्क्वायर कर दे रहे हैं तो वो तो और पॉजिटिव हो जाएगा, राइट, तो डी हमारा यहां से क्या आया, पॉजिटिव, राइट, तो हम यहां से क्या बोलते हैं कि भाई टू रियल रूट्स होंगे, है ना, ये तो हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं, अगर डी पॉजिटिव है तो दो रियल रूट्स होंगे, राइट, यस सर, तो भाई ए
ए ऑप्शन तो मुझे सही लग रहा है, लेकिन उसके बाद क्या है, देखो ध्यान से देखो ऑप्शन, देखो ये मल्टी करेक्ट ऑप्शन है, लाइक इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे, तो टू रियल रूट्स तो ये तो हमारा है ही, लेकिन इसके बाद देखो टू पॉजिटिव रूट्स, टू नेगेटिव रूट्स, वन पॉजिटिव और वन नेगेटिव रूट, तो अब हमें इंडिविजुअली लाइक अल्फा और बीटा पर भी, मतलब सॉरी एक्स भी कमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो अच्छा मुझे ये रूट्स पॉजिटिव है, दोनों रूट्स मैं क्या करता हूँ कि ये x1 into x2 फाइंड करता हूँ, अगर ये नेगेटिव आ गया तो फिर तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भाई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन अगर अल्फा बीटा मेरा क्या आया पॉजिटिव, तो फिर वापस दो केस हो सकते हैं कि या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या फिर दोनों नेगेटिव हो जाए, तो फिर उसके बाद मुझे फिर वापस x1 plus x2 मतलब सम ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा, राइट क्लियर है? यस सर। ओके तो प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि प्रोसेस हमें क्या करना है, कैलकुलेशन तो अपने आप हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर x1 into x2 का वैल्यू फाइंड करूंगा, तो x1 into x2 की वैल्यू क्या होगी भाई इस इक्वेशन के लिए, x1 into x2 क्या है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा इस इक्वेशन के लिए, माइनस आर, बस माइनस आर होगा, ठीक से देखो भाई ये पूरा टर्म होगा ना 2q स्क्वायर माइनस r, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, क्या इसमें कुछ x दिख रहा है क्या आपको, 2q स्क्वायर में x दिख रहा है क्या कहीं पे, नहीं है ना, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है हमारा 2q स्क्वायर माइनस r, तो ये पूरा पूरा आ जाएगा 2q स्क्वायर माइनस r, ठीक। अच्छा उसके बाद क्या करूंगा, q की फिर से वैल्यू रख दूंगा, q और r की वैल्यू मुझे पता ही है ना, ओके q की वैल्यू क्या थी अल्फा बीटा, एंड आर की वैल्यू क्या थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्लियर है? यस सर। ओके यस सर। तो यहाँ पर अभी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर नेगेटिव है, मुझे ये टर्म्स नेगेटिव में अच्छे नहीं लग रहे, तो इसको मैं पॉजिटिव कैसे बनाऊं, माइनस कॉमन लेके, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा प्लस का अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है ना, और ये प्लस का था लेकिन मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये नेगेटिव का हो जाएगा ना, मैंने कुछ गलत किया गया यहाँ पे, 2q स्क्वायर माइनस r, हाँ r की वैल्यू अल्फा की पावर 4 एंड बीटा की पावर 4 है भाई, किसी ने बताया भी नहीं मुझे यार। ओके तो ये यहां पर आएगा अल्फा की पावर 4 एंड बीटा की पावर 4, क्लियर है? ओके यस सर। या तो ये यहां पर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ये कुछ दिख रहा है क्या, क्या है ये जो ब्रैकेट के अंदर है सर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, बस माइनस फिर पॉजिटिव हो जाए, एक एक करके बोलो क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस साइन तो ब्रैकेट के बाहर है, वो कैसे पॉजिटिव होगा भाई, जैसे कि माइनस फोर लिखा हुआ है, तो इस माइनस फोर को मैं कैसे लिख सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, माइनस देन टू का होल स्क्वायर, इसको ऐसे थोड़ी लिख दूंगा कि ये माइनस स्क्वायर है तो ये हट जाएगा, राइट क्लियर है? यस सर। हाँ जी बेटा, ओके डाउट नहीं रहना चाहिए बस। तो ये भाई अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये इतना सा ये जो टर्म है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये कैसा है, ये तो पॉजिटिव है ना हमेशा, यस सर, है ना, और उसके आगे हमने माइनस लगा दिया, तो पॉजिटिव का आगे माइनस लगा देंगे मतलब वो नेगेटिव हो गया, राइट यस सर, यस सर, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो एक्स वन इंटू एक्स टू का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, नहीं मुझे इसका मतलब बताओ, लाइक एक्स वन इंटू एक्स टू नेगेटिव है मतलब रूट कैसे है, एक नेगेटिव, बिल्कुल वन रूट इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव, ओके क्लियर है? तो भाई हमारा ऑप्शन कौन सा क्लियर होगा, लास्ट वाला होगा,
अब अगर एक ऑप्शन सॉरी एक रूट पॉजिटिव आ गया एक रूट नेगेटिव आ गया तो मुझे अब डी वन प्लस डी टू चेक करना ही नहीं है, क्लियर है। लेकिन अगर दोनों यहाँ पर डी वन इंटू डी टू जो है पॉजिटिव आ जाता तो मुझे फिर एक्स वन प्लस एक्स टू मतलब समेशन ऑफ रूट्स भी चेक करना पड़ता, राइट। क्योंकि अगर एक्स वन इंटू एक्स टू पॉजिटिव आ जाता उसका मतलब क्या होगा कि या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, अब दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते, तो मुझे डी वन प्लस डी टू चेक करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव हो जाता तो प्लस डी टू वहां पर क्या, हाँ अब डी वन नेगेटिव हो जाता तो दोनों रूट नेगेटिव हो जाते, क्लियर। हाँ जी, अरे क्लियर है सभी को? आवाज कट रही है आपकी सर, वॉइस कट रही है आपकी। हाँ मैंने ये बोला बेटा कि अब मेरे पास ये मतलब दोनों रूट यहाँ एक रूट पॉजिटिव आ गया एक रूट नेगेटिव आ गया, बट अगर बाय चांस ऐसा हो जाता कि एक रूट पॉजिटिव दोनों रूट मतलब सॉरी एक्स वन इंटू एक्स टू पॉजिटिव आ जाता तो फिर क्या होता कि या तो दोनों रूट पॉजिटिव होते या दोनों रूट नेगेटिव होते, राइट। तो फिर मैं वो डी वन प्लस डी टू चेक करना पड़ता मुझे, अगर डी वन प्लस डी टू पॉजिटिव रहता तो दोनों रूट पॉजिटिव, और अगर डी वन इंटू डी टू नेगेटिव रहता तो दोनों रूट सॉरी डी वन प्लस डी टू नेगेटिव रहता तो दोनों रूट नेगेटिव, क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अब आता है हमारे पास कॉमन रूट्स बिटवीन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि भाई कॉमन रूट्स कितने हो सकते हैं। अच्छा जी, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच इक्वेशंस, ये इक्वेशन एंड ये वाली इक्वेशन में हैव ए कॉमन रूट, कि मुझे एम की ऐसी वैल्यू बताओ कि इन दोनों इक्वेशंस का एक रूट कॉमन हो। ठीक है, समझ में आया सभी को क्वेश्चन? ओके तो अच्छा, ये पहली इक्वेशन तो ये हो गई 3x स्क्वायर प्लस 4mx प्लस का 2 इक्वल टू 0, लेट सपोज इसके रूट से अल्फा और बीटा। ठीक, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके रूट लेट सपोज एक रूट कॉमन है तो एक कोई भी रूट कॉमन ले लो, तो अल्फा मैंने कॉमन ले लिया और दूसरा रूट मैंने अलग ले लिया गामा। ठीक, क्लियर है सभी को? यस सर, यस सर। ओके तो भाई इस इक्वेशन के तो मैं रूट नहीं निकाल सकता है ना, लेकिन इस इक्वेशन के तो रूट निकाल सकता हूँ सेकंड वाली के, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना। तो क्या करूंगा मैं, इसके रूट्स निकाल लूंगा पहले 2x स्क्वायर, अब 3x को मैं कैसे तोड़ू भाई, ऐसे लिख दू इसको 3x को 4x माइनस x, है ना। तो भाई ये 4x माइनस x प्लस का 3x और 4x इंटू माइनस x माइनस का 4x स्क्वायर, मेरा क्लियर है। तो अब फर्स्ट टू टर्म में से 2x कॉमन ले लूंगा तो अंदर बच जाएगा x प्लस 2, और इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 2 अंदर बच जाएगा, और x प्लस 2 यहां से आएगा एंड 2x माइनस 1 यहां से आ जाएगा। तो यहां से x की क्या क्या वैल्यू आ रही है, x इक्वल टू माइनस 2 एंड x इक्वल टू 1 बाई 2, क्लियर है? ओके बट अब मुझे इसने बोला नहीं है कि वो कॉमन रूट क्या होगा, इसने बोला है क्या कई क्वेश्चन में कि कॉमन रूट क्या होगा, इसने बस ऐसा बोला कि कॉमन रूट होना चाहिए उसके लिए m की वैल्यू बताइए, इसने कहीं बोला क्या कि कौन सा रूट होना चाहिए? नो सर, तो मुझे बारी बारी से चेक करना पड़ेगा कि भाई एक बार मुझे माइनस 2 लेके चेक करना पड़ेगा एंड एक बार 1 बाई 2 लेके चेक करना पड़ेगा, कि लेट सपोज कॉमन रूट इज माइनस 2, ओके। तो अगर कॉमन रूट माइनस 2 है, ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन का रूट है ना भाई, इस इक्वेशन का भी रूट है फर्स्ट वाली इक्वेशन का और सेकंड वाली इक्वेशन का भी रूट है, तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस सर। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा देते हैं इसको, ओके। सो put in equation first, तो देखते हैं क्या आता है, 3 into minus 2 का whole square plus 4m into minus का 2 and then plus का 2 equal to 0, तो 3 into minus 2 का whole square ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, clear? और ये 2 इधर का इधर ही है, लेकिन ये minus का atm में right side लेके चल जाता हूँ, तो ये plus का atm हो जाएगा right side, है ना, clear है?
यस सर। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, 7/4 है ना। 12 + 2 = 14, 14/8 = 7/4। तो m की एक तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सेकंड केस क्या होगा मेरा, ये तो मेरा कौन सा केस था, फर्स्ट केस, ये कौन सा केस था, फर्स्ट केस। m की वैल्यू सर आवाज नहीं आ रही है, हेलो आवाज आ रही है, हेलो आ रही है, अभी आ रही है ना, ओके ओके ठीक है। तो भाई पहले क्या था कि हमने कॉमन रूट -2 लेके सोल्व किया एंड उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, तो वहां से हमारे पास m की एक वैल्यू आई, ठीक है। एंड इसी तरह से हम एक बार x की वैल्यू 1/2 ले लेंगे, x की वैल्यू मतलब कॉमन रूट 1/2 ले लेंगे एंड वापस से इसको पुट इन, इसको इक्वेशन फर्स्ट में सेटिस्फाई करवा देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी भाई, 3x² + 4mx, तो इसमें मैंने जस्ट इसको पुट कर दिया, क्लियर है। तो 3 × 1/2² मतलब 3/4 आएगा यहाँ से, यहाँ से क्या आएगा 2m और यहाँ से क्या आएगा 2, क्लियर है। हाँ जी yes, okay, तो 2m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 2 + 3/4 कितना हो गया माइनस का 11/4 है ना। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई माइनस का 11/8, ठीक है ओके। तो m the value of m sir, possible values of m are क्या क्या थी भाई, पहले क्या आई थी 7/4, एंड माइनस का 11/8, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर है भाई सभी को, यस सर ओके। तो ये हो गई कॉमन रूट की बात कि भाई मतलब अगर ऐसे कुछ होता है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई इन दोनों का एक कुछ कॉमन रूट है तो आप इसकी वैल्यू बता दो, ठीक। अब कुछ और डिटेल में पढ़ते हैं कॉमन रूट के बारे में। तो कॉमन रूट भाई मैंने बताया था जैसे कि आपको कि या तो दोनों रूट कॉमन हो सकते हैं या फिर कोई एक रूट कॉमन हो सकता है दो इक्वेशंस का। तो फर्स्ट केस हमने क्या लिया कि दोनों रूट कॉमन है, ठीक है। किस इक्वेशन के लिए, a1x² + b1x + c1 = 0 एंड a2x² + b2x + c2 = 0 के लिए, ठीक है। तो अगर दोनों रूट कॉमन होंगे तो उसकी कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी कि जो करस्पोंडिंग कोफिशियंट है वेरिएबल्स के, करस्पोंडिंग कोफिशियंट उसका रेशियो इक्वल होना चाहिए। जैसे कि a1 और a2 x² के कोफिशियंट है, b1 एंड b2 x के कोफिशियंट है, c1 एंड c2 कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऑर्डर भी लिखना है कि भाई a1 b1 c1 मतलब या तो a1 b1 c1 ऊपर लिख लो, तीनों एक साथ लिखना, लेकिन ऐसा नहीं कि a1 ऊपर लिख दिया फिर b2 ऊपर लिख दिया फिर c1 ऊपर लिख दिया, ऐसा नहीं कि भाई फर्स्ट इक्वेशन के जो कोफिशियंट है फिर वो ऊपर ही आने चाहिए एंड सेकंड इक्वेशन के जो कोफिशियंट है वो नीचे ही आने चाहिए, ठीक है, क्लियर है। यस सर। यस सर। अब ये देखो कि ये ये कंडीशन बनाई कैसे मैंने, लेट सपोज कि मेरे पास एक कोई इक्वेशन है x² - 3x + 2 = 0, तो कोई मुझे इसके रूट बताएगा, इसके रूट होंगे 1 और 2, राइट। यस सर। भाई -3 को मैं कैसे तोड़ूंगा, -1 और -2 है ना, तो वहां से मेरे रूट आ जाएंगे 1 और 2, ओके। अच्छा अब अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं 2 से मल्टीप्लाई करके, 2x² - 6x + 4, तो क्या इसके बदल जाएंगे, क्या इसके रूट बदल जाएंगे क्या, नो सर। भाई इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × x - 1 × x - 2 है ना, लेकिन इसके रूट तो अभी भी 1 और 2 ही रहे, चेंज थोड़ी हुए है ना। यस सर। तो अब मुझे बताओ कि इन दोनों का अगर मैं करस्पोंडिंग एक कोफिशिएंट का रेशियो लूं
रेशियो ऑफ करस्पोंडिंग कोफिशियंट. क्या होगा करस्पोंडिंग रेशियो भाई? एक्स स्क्वायर का ऊपर है वन, नीचे है टू कोफिशिएंट. एक्स का फर्स्ट वाली इक्वेशन में माइनस थ्री, नीचे वाली इक्वेशन में है माइनस का सिक्स, और कांस्टेंट टर्म ऊपर है टू और नीचे है ना. तो यही कंडीशन मैंने यहां पर लिखी है कि करस्पोंडिंग कोफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए. ठीक है भाई, क्लियर है? यस सर. ओके, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है. जस्ट क्या बोल रहा है कि इन, ये हमारे पास दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन है, तो मुझे इसकी वैल्यू बता दो. तो आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट दोनों इक्वेशन से उठाना है और उसको करस्पोंडिंग रेशियो, करस्पोंडिंग कोफिशियंट का रेशियो फाइंड कर लेना है. क्लियर है? लेकिन ये अभी क्या अच्छे से लिखी हुई नहीं है इक्वेशन. एक्स स्क्वायर टर्म मुझे यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, इस वाली इक्वेशन में यहां पर भी दिख रहा है और यहां पर भी दिख रहा है. तो पहले तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में लिखिए. किस फॉर्मेट में? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इस फॉर्मेट में दोनों इक्वेशन को लिखिए कि एक्स स्क्वायर का एक ही कोफिशियंट होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का जितना भी कोफिशियंट है वो एक्स स्क्वायर के लाइक एक साथ लिखा होना चाहिए. तो आप इस फॉर्मेट में लिखिए और फिर उन दोनों का रेशियो ले लीजिए. तो 2r माइनस p की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. इसकी वैल्यू मैं बता देता हूं आपको, जीरो आएगी. आंसर भी दे दिया है मैंने आपको. ठीक है, तो आपको जस्ट कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर, ताकि आपका थोड़ा सा लाइक फॉर्मूला भी याद हो जाए, उसको अप्लाई कैसे करना है उसका थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए आइडिया. क्लियर है? कर लोगे? यस सर. ठीक है. यस सर. ओके, तो ये क्वेश्चन कर लेना बेटा. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे टेस्ट में, तो ये कर लेना अच्छे से. ठीक है. ओके जी, क्या सभी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है? यस सर. यस सर. ओके, तो फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ होता क्या है. अगर आपके पास दो इक्वेशन है, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and दूसरी है a2x plus b2y plus c2 equal to 0, और आपको यहां से x और y की वैल्यू निकालनी. x और y क्या है यहां पर? वेरिएबल. राइट? और a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है? रियल नंबर. ओके, तो आप यहां से x और y की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो. बट हमें फॉर्मूला याद नहीं करना है, हमको जस्ट प्रोसेस समझना है. फॉर्मूला तो हम खुद ही बना लेंगे. तो प्रोसेस क्या होता है कि हमें इसमें बेसिकली साइकिल चलानी होती है. क्या चलानी होती है? साइकिल. तो अब मैं बताता हूं कैसे चलानी होती है. देखो, ये एक्स का जो x का कोफिशियंट है वो दोनों इक्वेशन में देखिए, a1 और a2. ठीक है, आपको जब भी x के नीचे कुछ लिखना है तो उन दोनों के कोफिशियंट को छोड़ दीजिए, बाकी के कोफिशियंट लिख दीजिए. किस तरह से लिखना है? b1 b2 फिर उसके बाद c1 c2. ठीक, फिर उसके बाद y का कोफिशियंट आपको लिखना है. तो कहां से स्टार्ट करोगे? जो यहां पर x के नीचे जो हमने खत्म किया ना, c1 एंड c2 से आप उससे स्टार्ट कर दोगे. ठीक है, एंड c1 c2 के बाद क्या आएगा भाई? साइकिल क्या हमारी? a1 फिर उसके बाद b फिर उसके बाद c1 और फिर c1 के बाद फिर वापस से a1. ये कंटिन्यूअसली चलती जाएगी साइकिल. ठीक है, ठीक है. यस सर. तो c1 c2 यहां पर लिख दिया, अब क्या आएगा मेरे पास? a1 a2. ठीक, y के नीचे b1 b2 नहीं लिखना है, क्योंकि b1 b2 जो है y के कोफिशियंट है, तो y के कोफिशियंट हमको नहीं लिखना है. ठीक, फिर उसके बाद आएगा कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म के नीचे क्या लिखना है? कांस्टेंट टर्म के जो है ना c1 और c2 उसको छोड़कर, तो उसके छोड़कर क्या है हमारे पास? a1 a2. तो हमको किससे स्टार्ट करना पड़ेगा? यहां पर y के नीचे जिससे हमने एंड किया, तो a1 a2 से एंड किया, तो यहां पर स्टार्ट भी a1 और a2 से ही होगा. और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? b1 और b2. क्लियर है यहां तक सभी को? यस सर.
ओके तो yes, अब आपको ये वैल्यू जो दिख रही है बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, ये कैसे आई? बी वन को आपने सी टू से मल्टीप्लाई किया और बी टू को सी वन से मल्टीप्लाई किया, ऐसे सी वन को ए टू से मल्टीप्लाई किया और सी टू को ए वन से मल्टीप्लाई किया, ए वन को बी टू से मल्टीप्लाई किया एंड ए टू को बी वन से मल्टीप्लाई किया. क्लियर है? Yes, yes, sir. तो देखो यहां से आपको पास आया क्या, सिर्फ वॉइस कट रही है. y वन डिवाइड ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन. क्लियर है? हाँ जी क्लियर है. हेलो हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही है बेटा? यस सर. ओके, तो मैंने जस्ट यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके लिखा है इन चीजों को, ठीक है. लेकिन अब आप देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले में और इसमें एक बेसिक सा डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है, दिख रहा किसी को? ऊपर माइनस वाई, ऊपर माइनस वाई, माइनस वाई. या तो देखो यहाँ पर वाई के नीचे माइनस, वाई के आगे माइनस साइन लगा. अगर ये माइनस का साइन, अगर ये माइनस का साइन आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या देखो ये माइनस का साइन हट जाएगा क्या? अगर ये माइनस नीचे में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का जो ए टू सी वन है वो प्लस का हो जाएगा. तो प्लस का ए टू सी वन या सी वन ए टू जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये ए वन सी टू पहले पॉजिटिव था, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस का हो जाएगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है. क्लियर है सभी को? यस सर. है ना? तो ये माइनस मैंने नहीं लगाया ताकि लाइक आपको ये रट्टा ना मारना पड़े. आप जस्ट यहाँ पर प्रोसेस याद रखो कि आपको करना कैसे है, ठीक है. तो अगर माइनस साइन लगा देंगे तो हमारी साइकिल उल्टी हो जाएगी भाई यहाँ पर, है ना. अगर ये माइनस साइन लगा देंगे तो फिर ए वन ए टू पहले आ जाएगा और सी वन सी टू बाद में आएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि आप ये बस ये साइकिल के जरिए याद रख लो ताकि आपको फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना पड़े, क्योंकि अगर आप ये फॉर्मूला रट्टा मारने जाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे ए वन ए टू बी वन बी टू क्या लिखा हुआ है, ठीक है. तो आप जस्ट प्रोसेस को याद रखो, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है ये वाला, ठीक है. क्लियर है? यस सर. तो आपको जो ये मैंने डब्बे में बंद किया है उस फॉर्मूले को लाइक समझना है. याद तो अपने याद तो करना ही नहीं है, मुझे इवन याद नहीं है ये, ठीक है. मैं भी हमेशा ऐसे ही करके लिखता हूँ, जो मैंने प्रोसेस आपको बताया उसी प्रोसेस से मैं आपको लाइक फॉलो करूंगा अपना. तो यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूंगा, फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर कर दूंगा. अगर y की वैल्यू निकालनी हो तो सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर कर दूंगा, ठीक है भाई. क्लियर है? यस सर. यस सर. ओके, तो एक क्वेश्चन, सॉरी, अब वो तो हमने पढ़ लिया, ये तो हमने भाई लाइक मेथड पढ़ लिया, ठीक है. तो हमने जो कॉमन रूट हम फाइंड करेंगे वो इसी मेथड से फाइंड करेंगे, ठीक है. जैसे कि अगर वन रूट कॉमन है इन दोनों इक्वेशन का, ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन एंड ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस ए टू, तो अल्फा अगर दोनों का लेट सपोज की कॉमन रूट है, अल्फा बीटा एंड लेट सपोज अल्फा एंड गामा, ठीक. तो अल्फा जो है दोनों का कॉमन रूट है, तो अल्फा जो है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए. तो मैंने दोनों को सेटिस्फाई करवा दिया, ए वन अल्फा स्क्वायर प्लस बी वन अल्फा प्लस सी वन, और ऐसे सेकंड इक्वेशन में भी सेटिस्फाई करवा दिया. अब मुझे चाहिए यहां से अल्फा की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, वापस से ये अल्फा स्क्वायर का मुझे अगर टर्म लिखना है तो इसके नीचे मैं क्या लिखूंगा, हाँ जी, अल्फा स्क्वायर के नीचे लिखूंगा मैं ये ए वन और ए टू को हटाकर, मतलब बी वन बी टू फिर उसके बाद सी वन सी टू. अल्फा के नीचे क्या लिखूंगा, ये b1 और b2 को हटाकर, और यहाँ पे स्टार्ट कहां से करूंगा, जहां पर मैंने अल्फा स्क्वायर के नीचे जो लिखा है जो जिससे एंड किया है वही उसी से स्टार्ट करूंगा. तो c1 और c2 से स्टार्ट कर दूंगा एंड देन वापस से ये साइकिल एंड होकर कहां पर आएगी, a1 और a2 पर, ठीक. फिर ये जो 1 के नीचे मैं स्टार्ट करूंगा वो कहां से स्टार्ट करूंगा, a1 एंड a2 से, और b1 b2 पर एंड कर दूंगा. तो यहां से अब वापस आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना वैल्यू निकाल सकते हो. क्लियर है भाई? ओके, ठीक है. तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते तो हमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा. इफ इट इज नोन दैट एबीसी आर रियल, क्या है,
एबीसी जो है रियल है, ठीक। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर एंड दिस इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन हैव ए कॉमन रूट, इन दोनों इक्वेशंस का एक रूट कॉमन है, तो मुझे ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करना है। अच्छा जी, तो देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेट सपोज कि ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो, इसके रूट है लेट सपोज, है ना, क्लियर है। एंड ये जो दूसरी इक्वेशन है टू एक्स, तो अल्फा जो है इन दोनों कॉमन है ना, ठीक है। तो भाई अब ये इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन इसके रूट्स में देख सकता हूँ कि कैसे होंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ लाइक ऐसा नहीं है जिसकी वैल्यू मुझे याद नहीं है, है ना। तो सबसे पहले तो इसका डी चेक करते हैं, डी क्या आएगा भाई इसका, बी स्क्वायर मतलब थ्री का स्क्वायर, फिर माइनस का फोर इंटू टू इंटू फोर, है ना। तो ये तो आ गया कितना, थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन, नाइन माइनस थर्टी टू, नाइन माइनस थर्टी टू कितना होता है भाई, माइनस का ट्वेंटी थ्री, तो ये तो नेगेटिव आ गया भाई यहाँ पर, डी नेगेटिव आ गया। डी नेगेटिव आ जाता है तो क्या होता है, हाँ जी, रूट्स इमीडिएटली, बिल्कुल, रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी। एंड उसके अलावा और क्या होता है, रूट कैसे आते हैं मेरे इमेजिनरी के अलावा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आते हैं ना, भाई दोनों रूट इमेजिनरी आएंगे, एक आएगा ए प्लस आयोटा बी वाला और दूसरा आएगा ए माइनस आयोटा बी वाला, है ना, क्लियर है, ओके। तो मींस अल्फा एंड गामा बोथ आर इमेजिनरी, राइट। तो भाई अल्फा तो यहां पर भी है ना, राइट, अल्फा तो यहां पर भी है, तो अल्फा किस तरह का है, अल्फा जो है मेरा इमेजिनरी है, तो मुझे बताओ बीटा कैसा होगा, एक रूट इमेजिनरी आ गया तो दूसरा रूट रियल होगा कि इमेजिनरी होगा, कि कुछ कह नहीं सकते, हाँ जी बताओ भाई, एक रूट अगर मेरा इमेजिनरी आ गया किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो दूसरा रूट कैसा होगा, रियल इमेजिनरी या फिर कुछ कह नहीं सकते, अरे बोलो भाई, अरे भाई हमने पढ़ा था ना कि ये जो लाइक कॉम्प्लेक्स रूट है वो हमेशा पेयर में आते हैं, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, यस सर, यस सर, इतनी जल्दी भूल गए यार कल की क्लास, कि भाई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में आता है ना, अगर डी नेगेटिव आ गया मतलब उसके रूट कैसे आएंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब अगर एक रूट लाइक ए प्लस आयोटा भी आ गया ना, तो दूसरा रूट पक्का है ए माइनस बी आयोटा आएगा, अगर ए बी सी रियल है तो, इसीलिए ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी कंडीशन दे क्वेश्चन में उसको लिख लिया करो, इसीलिए। तो बीटा भी क्या आएगा, क्यों होगा, बिकॉज लाइक कॉम्प्लेक्स रूट आर ऑलवेज इन पेयर, वो हमेशा पेयर में होते हैं, राइट, कैसे होते हैं, पेयर में मतलब वो हमेशा इवन नंबर में आते हैं, मतलब कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कॉम्प्लेक्स रूट एक तीन पांच सात ऐसे कुछ होंगे, वो हमेशा इवन नंबर्स में होंगे, टू फोर सिक्स एट टेन, वो मतलब इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है उसके रूट कितने होंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे, बट उस कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा किस में आते हैं, पेयर्स में आते हैं, ठीक है, सभी को क्लियर है, यस सर, ओके, यस सर। तो अब अगर
यहाँ पर बीटा भी इमेजनरी आ गया है, तो मुझे बताओ कि बीटा और गामा में रिलेशन क्या होगा। अल्फा दोनों का कॉमन है, मतलब अल्फा दोनों का इक्वल है, तो मुझे बताओ कि बीटा और गामा में क्या रिलेशन रहेगा। लेट सपोज अल्फा यहां से आ गया ए प्लस आयोटा बी, तो यहां पर भी अल्फा क्या रहेगा, ए प्लस आयोटा बी, तो यहां से और यहां से गामा क्या है, ए माइनस आयोटा बी, बताओ। और यहां पर बीटा वो भी ए माइनस आयोटा बी ही आएगा, ओके यस सर। तो अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन क्या रहा फिर, इक्वल है दोनों इक्वल है। तो इस टाइप के अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई एक इक्वेशन के, तो आप रूट फाइंड कर सकते हो और आपको बोले कि कॉमन इन दोनों के बीच में एक रूट कॉमन है, लेकिन जो जिस इक्वेशन में हमारे पास कुछ लाइक एक्स्ट्रा कांस्टेंट नहीं है एबीसी टाइप का, सिंपली इस तरह का है जिसके हम रूट फाइंड कर सकते हैं, अगर उसके दोनों लाइक उसका डी नेगेटिव आ जाए, उसका मतलब क्या होगा कि दोनों रूट इमेजनरी है, और ऐसा आपसे बोला जाए कि दो इक्वेशन है हमारे पास, फर्स्ट ये और दूसरी ये, इन दोनों का एक रूट कॉमन है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे। यहां से क्या हुआ, दोनों रूट कॉमन आ गए ना भाई इसके, यस सर, बोथ रूट्स आर कॉमन, तो दोनों रूट की कॉमन की कंडीशन क्या होती है। हाँ जी, दोनों रूट की अगर कॉमन आ जाए तो उसकी कंडीशन क्या होती है, बताओ। अरे बोलो भाई, अभी हेलो आवाज आ रही है बेटा, हेलो, यस सर, हाँ, तो मुझे बताओ कि दोनों रूट अगर कॉमन हो जाए तो उसकी कंडीशन क्या होती है। अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं यार, क्या होती है करस्पोंडिंग रेशियो, करस्पोंडिंग कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है, ठीक है, तो ए रेशियो, यहां पर इसके लाइक कोफिशिएंट क्या है, ए बी सी, और यहां पर क्या है, टू थ्री फोर, तो ए अपॉन टू आ जाएगा, बी अपॉन थ्री आ जाएगा एंड सी अपॉन फोर आ जाएगा, तो यहां से करस्पोंडिंग रेशियो क्या आ जाएगा मेरा, टू थ्री फोर। ये कैसे फाइंड किया मैंने, यहाँ पर के इक्वल किया इसको, एबीसी की वैल्यू फाइंड कर दी, ठीक है, इस तरह से किया है, तो एबीसी की वैल्यू क्या आ गई, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या आ गई, टू रेशियो थ्री रेशियो फोर, ठीक है, क्लियर है सभी को, yes, sir. अरे यार आज तो ये हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अच्छा ये एक क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट से, Q1x है मेरे पास ये इक्वेशन और Q2 है ये वाला, ठीक है, तो ये क्या है कि दोनों, ये जो दोनों Q1 और Q2 है ये क्या है, फैक्टर ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब इसके भाई रूट कितने होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के, थ्री। तो लेट सपोज अल्फा बीटा और गामा है, अच्छा जी, ठीक है, और Q1x क्या है, ये है, ठीक है, Q1x इसका फैक्टर है, राइट, फैक्टर है मतलब, और ये क्वाड्रेटिक है, राइट, तो इसके रूट कितने आएंगे Q1 के, टू रूट्स आएंगे, तो लेट, और दोनों इसके कॉमन होंगे ना फिर, क्योंकि ये फैक्टर हो गया, Q1 जो है P of x का फैक्टर हो गया, मतलब इन दोनों के रूट भी कॉमन आएंगे अगर फैक्टर हो गया तो, भाई होगा कि नहीं होगा, जैसे कि लेट सपोज x माइनस वन इंटू x माइनस टू इंटू x माइनस थ्री है, ठीक है, इसके फैक्टर क्या क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके फैक्टर क्या क्या है, x माइनस वन और x माइनस टू और x माइनस थ्री, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैंने किसी दो को ही एक बार में लिया है, राइट, तो ये x माइनस वन और x माइनस टू इसके फैक्टर होंगे ना, yes, होंगे कि नहीं होंगे भाई, राइट, तो अभी देखो, yes, जो इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं
वो इस क्यूबिक के भी रूट्स है, राइट? है ना? तो ये जो अगर Q1 के अल्फा बीटा अगर रूट है तो वही रूट इस P of X के भी होंगे. क्लियर है ये बात सभी को समझ में आ गई? यस सर. ओके. और ऐसे ही हमारे पास Q2X है, तो Q2X के रूट क्या क्या आएंगे भाई, कोई बता सकता है? भाई P of X के टोटल रूट तीन है, है ना? तीन रूट, वो रूट हमारे यहाँ पर कॉमन आ गए अल्फा बीटा. मैंने P of X का तीसरा रूट मान रखा है गामा, तो ये तो श्योर है कि इसका एक रूट गामा आएगा, है ना? यस सर. क्लियर? तो एक रूट कॉमन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाई Q1 और Q2 दोनों इसके फैक्टर हैं. जैसे कि मैंने x माइनस वन इंटू x माइनस टू इंटू x माइनस थ्री ये लिखा हुआ है, इसका बोल दिया आपसे कि भाई इसके ये x माइनस वन और x माइनस टू इसका फैक्टर है, तो इसके दो दो तो ये कॉमन हो गए. अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मेरे पास एक और एक क्वाड्रेटिक है और ये भी इसके फैक्टर हैं x माइनस वन इंटू x माइनस टू इंटू x माइनस थ्री के. तो भाई ये जाहिर सी बात होगी ना कि फिर ये जो Q1 और Q2 है इन दोनों का भी एक रूट कॉमन होगा. yes, ये बात समझ में आई? yes, sir. तो भाई इन Q1 yes, और Q2 का एक रूट कॉमन होना चाहिए फिर, है ना? yes, sir. ये सभी को क्लियर है? yes, sir. okay. तो इसको ऐसे साइड में रखा रहने देते ताकि आपका ये रेफरेंस हो जाए, आप इसको देख के कभी रिवीजन भी करो या फिर ये अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो भाई. जब भी लाइक मैं जब स्टूडेंट था, टीचर कुछ ऐसा बोलते थे लेकिन लिखवाते नहीं थे, तो मैं क्या करता था कि वो जो बोलते थे वो बेसिकली लाइक थोड़ा सा लिख लेता था अपना, लाइक कुछ भी पेंसिल लिया और पेंसिल से लिख लिया फटाफट से, ठीक है, ताकि मैं अगर बाद में रिवाइज करूं और भूल गया तो मैं उस पॉइंट को पढ़ के लाइक मुझे क्लिक हो जाए कि अच्छा सर ने ऐसे समझाया था, ठीक है. तो यहाँ से भाई अल्फा और अल्फा दोनों कॉमन रूट आ गए, ठीक है. बस इसमें यही ट्रिकी पॉइंट था कि इन दोनों का एक रूट कॉमन होगा. अब मुझे क्या बताना है कि देन द वैल्यू ऑफ के, ठीक है भाई. Q1 और Q2 का मुझे पता है कि एक रूट कॉमन आ गया, ठीक है. तो ये अल्फा जो है इन दोनों को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए क्या? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए. तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 29 एक्स माइनस के ये है, और Q2 क्या है मेरा, Q2 क्या है 2x स्क्वायर प्लस 2k माइनस 43 इंटू एक्स प्लस के, ठीक. तो यहां से मैं क्या करूंगा, Q1 अल्फा निकालूंगा, तो Q1 अल्फा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस k माइनस 29 इंटू अल्फा माइनस का k इक्वल टू जीरो हो जाएगा. और यहां से Q2 क्या होगा, Q2 अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2k माइनस 43 इंटू अल्फा प्लस का k इक्वल टू जीरो हो जाएगा. क्लियर है भाई सभी को? यस सर. ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन. ये इक्वल टू जीरो क्यों लगा दिया मैंने अब की बार, क्योंकि अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये टोटल चीज जीरो के इक्वल आनी चाहिए, है ना? तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे यहां से समाओ अल्फा की वैल्यू चाहिए, है ना? तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, कोई बताना चाहेगा? यहां पर हम वो वन रूट कॉमन का भी लगा सकते हैं, या फिर आप एक चीज और कर सकते हो, आप है ना फर्स्ट इक्वेशन में टू से मल्टीप्लाई करो एंड देन उसमें से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दो, तो आपका अल्फा स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा और सिर्फ आपका अल्फा वाला टर्म बचेगा, तो आपकी वैल्यू अल्फा की वैल्यू आ जाएगी. क्लियर है? यस सर. तो यहां से टू फर्स्ट वाली इक्वेशन में मैं टू से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा, टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2k माइनस 58 इंटू अल्फा, मैंने 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में k माइनस 29 में, फिर उसके बाद माइनस का 2k इक्वल टू 0, 0 में किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा. और सेकंड इक्वेशन क्या है, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2k माइनस 43 इंटू अल्फा प्लस का k इक्वल टू 0, और अगर मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं तो मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा, साइन चेंज कर दिया मैंने,
टू अल्फा स्क्वायर से टू अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पर, टू के में से टू के भी माइनस हो जाएगा ना भाई, टू के अल्फा रहेगा यहाँ पर और नीचे भी टू के अल्फा, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, माइनस का 58 अल्फा, और नीचे क्या बचेगा, माइनस का 43 अल्फा, लेकिन ये नीचे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 43 अल्फा, फिर ऊपर माइनस का 2k है और नीचे माइनस का k है तो ये माइनस का 3k हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यस सर। तो 3k इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस अरे सर वॉइस कट रही है आपकी। अरे भाई साहब, हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि मैंने जस्ट यहाँ पर इसको सोल्व किया, माइनस 58 अल्फा प्लस 43 अल्फा आया एंड माइनस का 3 क्या आया इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए बेसिकली। ओह सॉरी, मुझे अलग ही वैल्यू चाहिए थी ना, तो मैंने क्या किया भाई, माइनस 58 और प्लस 43 कितना हो जाएगा, माइनस का 15 अल्फा, और ये माइनस 3 को उधर भेज दिया तो ये प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 3 के अपॉन माइनस का 15, तो ये कितना आ गया, माइनस का k अपॉन 5। क्लियर है? यस सर। तो अब इसको क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में रख दूंगा ताकि मुझे k की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि मुझे k का ही वैल्यू चाहिए, है ना। इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस का k माइनस 29 अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस k माइनस 29 अल्फा, एंड उसके बाद क्या है, माइनस का k इक्वल टू जीरो। ठीक, तो अल्फा के वैल्यू रख देते हैं, माइनस का k अपॉन 5 इसका होल स्क्वायर प्लस k माइनस 29 इंटू माइनस का k अपॉन 5 फिर उसके बाद माइनस का k। ठीक, तो यहां से आ जाएगा k स्क्वायर अपॉन 25, यहां से आ जाएगा माइनस का k स्क्वायर अपॉन 5, यहां से आ जाएगा 29k अपॉन 5, यहां से आ जाएगा माइनस का k। ठीक, तो दो इक्वेशन दो रूट होंगे यहां से, तो आपकी k की वैल्यू आएगी 0 एंड 30, आप सोल्व कर लेना यहां से। ठीक, कर लोगे? ओके okay. एंड मुझे एक चीज बताओ कि मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही रूट कॉमन क्यों लिया, ऐसा नहीं हो सकता था कि Q1 और Q2 दोनों के रूट सेम हो जाए, ऐसा हो सकता था क्या? अगर दोनों रूट कॉमन हो जाए तो उसकी कंडीशन क्या होगी कि भाई करस्पोंडिंग रेशियो सेम होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1/2 यहाँ से आया, लेकिन अब लास्ट टर्म देखिए यहाँ पर माइनस के है और यहाँ पर क्या है प्लस का के, तो यहां से माइनस 1 आया, रेशियो क्या आया माइनस 1 और यहां से क्या आया था प्लस 1/2, है ना। तो ये क्या कभी इक्वल हो सकते हैं क्या? नो सर, नहीं हो सकते, इसलिए इसके दोनों रूट कॉमन नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए 0 एंड 30 मतलब इसका एक ही रूट कॉमन होगा Q1 और Q2 का, तो मेरा फर्स्ट एंड डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? यस सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाइम हो गया है, चलो ठीक है, फिर कल हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।